नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से ऋषि लगातार अब कोई ना कोई चीज़ सोचता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार कैसे एक्सपोज किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों उसको प्लान मिल चुका है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्द ही आप लोगों के बीच में कहानी एक नहीं बल्कि इस समय कई और भी ट्विस्ट लगातार आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सभी लोग हैरान और परेशान हैं कि आखिरकार विक्रांत ऐसा क्या कर रहा है कि जिसमें वो किसी को कानों कान खबर नहीं होने दे रहा कि आखिरकार करना क्या है। क्योंकि दोस्तों विक्रांत को एक्सपोज करने के लिए इस समय ऋषि ने बहुत बड़ी प्लानिंग बनाई है, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया है कि हो कुछ भी जाए लेकिन एक्सपोज तो होगा ही। इधर दोस्तों बार बार सलोनी ये सोच रही है कि ये शादी अगर रुक गई तो ऐसा ना हो कि विक्रांत पूरा गुस्सा मेरे ऊपर ही निकाल ले, क्योंकि दोस्तों विक्रांत इतना ज़्यादा गुस्से में है। हालाँकि वो ऋषि को हर तरीका से चैलेंज दे रहा है और लक्ष्मी से बोल रहा है कि लक्ष्मी वाकई में मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं चाहता हूं कि शादी के बाद में हम हनीमून में दूसरे ओर जाएं। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आने वाली कहानी आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प नज़ारा लाती हुई नज़र आने वाली है दोस्तों। आप लोगों के बीच में देखने को मिलेगा कि किस तरीका से सलोनी खुद इस चीज़ को बोलती हुई नज़र आने वाली है कि लक्ष्मी तो सीधी है लेकिन उसके जो आसपास में हैं वो लोग घने ही ज़्यादा तेज़ हैं। आप लोग जानते हैं कि वो किसकी बात कर रही थी? जी हाँ, वो किसी और की नहीं बल्कि साफ साफ तरीक़े से बोला जाए तो उसका कहने का मतलब ये था कि आयुष सालूबानी की वजह से ये शादी रुक ना जाए। हालांकि दोस्तों इस समय ऋषि के हाथ बहुत बड़ा सबूत लगेगा जिसमें कि वो सिद्ध कर देगा कि हाँ विक्रांत एक धोखेबाज और एक बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ लड़का है। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा इस कैसे लग रही है आपको।